काम अभी एक शख्स के लिए रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। कान खोल के सुन लो डॉक्टर अजीम नेल्सन, जो तुमने यहाँ कब्जे करवाए हैं ना मसीह बरादरी के जमीनों पे, और एक है। एक इंच तुमसे वापस ले। ये उस्मान डार का वादा है अपने सारे मसीह भाइयों से, और इमरान खान तक ये बात नहीं जाऊंगा। इमरान खान ने पहले भी गरीब लोगों की जमीनों से कब्जे छुड़ाए हैं, और जो कब्जा माफिया यहाँ जमीनों पे कब्जा करके बैठो, मेरे पास बकायदा एप्लीकेशन आई है इनकी तरफ से। आप लोगों ने मिलके इंशाल्लाह ताला एक एक इंच छुड़वाऊंगा, एक एक इंच छुड़वाऊंगा। अपने तमाम असी बरादरी को, जितने भी हमारे हिंदू बरादरी वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं सियालकोट में, आप सबको दावत दे रहा हूँ परसों आने, और हम सब ने मिलकर अपने लीडर इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल भी करना है, और उनका तारीखी खिताब भी सुनना है। कोई यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी मैं सबको पहले नंबर पर अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिटी बारह पत्रकार जो रिहायशी हूँ सर, 118 साल से हमारा यहाँ पे मजहबी जो है ना वो कह रहा है, लेकिन मैं अपने लीडरान को जो भी नू लीग से या किसी जमात से वट एवर, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे एक बल्ब भी नहीं लगाया, एक टूटी भी नहीं लगाई। ये रोड 118 साल से ये कच्चा पड़ा हुआ है, ये सामने आप कैमरा मार रहे हैं, 118 साल से किसी ने नहीं किए। आज सबको एक जलसे की वजह से तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है? मैं उन सबको कहता हूँ कि आप सिटी में तशरीफ लाएं, यहाँ पे आके बात करें, हमसे बात करें, हम आपको जवाब देते हैं। जहाँ पे एक गेट को सामने लगा हुआ है, हमारे जनाजे दूसरी गली से होके जाते हैं, यहाँ पे एक गेट टूटे कब्जे की वजह से जनाजे नहीं गुजर सकते। ये कौन है जो ये कह रहे हैं कि जी हम जहाँ पे कब्जा हो रहा है या क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, ये सब झूठ है, ये सियासी प्रोपोगंडा है। इसके लिए हम बिल्कुल इसको मानने के तैयार ही हैं, लेकिन मैं अपने जितने भी मसीही, जितने भी कायदीन हैं या पास्टर साहबान हैं या जो भी हैं, मैं सबको कहता हूँ खुदारा सियासत में मजहब को ना लाएँ। प्लीज़ अगर कोई मजहबी इशू है उसको यहाँ पे चर्च में बैठ के हल करें, मजहब को हम आपके मुतालबे बिल्कुल नहीं मानते। ये मैं पूरे इंटरनेशनल जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, मैं सबको मैं कहता हूँ कि प्लीज़ ये सब सियासत।